दोस्तों आज फिर से मुझे मार्केट जाना पड़ा। आज हम आए हैं दोबारा से हॉस्पिटल, क्योंकि आज शाम को बुखार आ गई, तो हम शाम को दोनों आए हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए, है ना। अभी यहाँ से हमने पेट्रोल डलवाया है और बारिश आ गई थी तो कुछ समय के लिए हम रुक गए थे, और अब चलते हैं घर पे। दोस्तों अब मैं घर पहुँच चुका हूँ और आज फिर से मुझे मार्केट इसलिए जाना पड़ा क्योंकि शाम को बुखार आ गया था, और फिर उसका इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास लेकर गए और इंजेक्शन वगैरह लगवा के आ रहे थे, तो रास्ते में बारिश आ गई थी आज भी। और कल जो है बड़े बेटे को लेकर गया था राजेश को, तो आजकल क्या है कि ये वायरल फीवर का मौसम चल रहा है, तो बहुत मतलब बच्चे मैंने देखे हॉस्पिटल में बुखार सर्दी खांसी का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बच्चों को, तो पता नहीं क्या है ये, पर यही है कि हम अपनी तरफ से साफ़ सुथरा और अच्छे से केयर करने की कोशिश करें, जिससे कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम मतलब इस कर सकते हैं तो करें, पर फिर भी बीमार हो जाते हैं तो जल्दी से डॉक्टर को दिखाएं। जैसे मैंने भी यहाँ लगवा ली, उसके बाद फिर डॉक्टर के पास लेकर गया और यही था। तो अब मैं अभी है दोपहर का वक्त और बढ़िया धूप निकली हुई है, आप देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा ऐसा है। हमारा छोटू बंधा हुआ है, इसको भी पानी पिला दिया है और भैंस को भी चारा डाल दिया है, तो ये चारा खा रही है। और ये क्या कर रहा है छोटू? हेलो हेलो, नहीं नहीं नहीं, आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें।